हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राज टेलीकॉम कम्युनिकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जियो फाइबर यानी जियो एफटीटीएच के बारे में बात करेंगे। एफटीटीएच के फुल फॉर्म होता है फाइबर टू द होम, यानी ओएलटी से आपके घर तक फाइबर किस तरह से होकर के पहुंचता है, मतलब फाइबर किस तरह से होकर के पहुंचता है और जाकर के इंटरनेट चलता है, तो इसका बारे में हम बात करेंगे। जो भी स्प्लाइसर है यानी जो भी फाइबर के बारे में जो भी फाइबर का काम करते हैं यानी उसको मानी मेंटेनेंस करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, उस तरह से हम बात करेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा मेंटेनेंस करने में। तो यहाँ हम समझते हैं कि किस तरह से एफटीटीएच का फाइबर बिछा हुआ रहता है, डाला हुआ रहता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर, वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर एक स्प्लिटर है, तो यानी किसी शहर के किसी जगह पर लगा हुआ रहता है ओएलटी। जैसा कि हम ओएलटी यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, ये है जो भी ओएलटी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, यानी ऑप्टिकल का टर्मिनल लाइन लगा हुआ रहता है, एक तरह से समझिए। तो वहाँ पर है जैसा कि तो ओएलटी है, ओएलटी यानी होता है उसी अगर ओएलटी लगा हुआ रहता है, एफडीएमएस लगा हुआ रहता है, सारा इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है एक्स ओडीसी के अंदर में, या तो वहाँ जो भी है ओएलटी से एक केबल निकलता है और जो भी से मतलब मोहल्ला में होते हुए फिर यानी घूमते हुए फिर ओएलटी में आकर के इन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फीडर केबल, यानी दो फीडर एक ओएलटी में होता है, किसी में एक होता है यानी एरिया अनुसार से होता है, तो दूसरा केबल निकला दूसरा गली मोहल्ला से होते हुए फिर ओएलटी में आ गया, यानी एक तरफ से फाइबर आउट होता है दूसरे तरफ से इन हो जाता है ओएलटी पे, यानी दो एफडीएमएस एक फीडर में लगा हुआ रहता है, जैसा इन और आउट, तो दो फीडर है तो चार एफडीएमएस हो गया, तो एक इन दो इन और दो आउट एफडीएमएस यानी फीडर वन फीडर टू, इस तरह से होता है। तो फीडर केबल जो भी है 48 कोर का फाइबर होता है, इसमें यूज होता है। तो जैसा कि फीडर केबल जो भी है जैसा यहाँ 101 जैसी है, 201 जैसी है, जैसा यहाँ 301 जैसी है, ये जो भी है इस तरह से होकर के जाएगा। तो यहाँ मान लो कि इस जगह पर 301 जैसी है, वहां पर स्पीडर लगा हुआ है, तो जैसा कि हम यहाँ पर स्पीटर जो भी यहाँ लगता है तो 2x8 का स्पीटर लगता है, यानी दो इन रहता है आउट, उस 8 उसमें आउटपुट रहता है, यानी दो इन रहता है दो आउटपुट रहता है, यानी 8 आउटपुट रहता है, इस तरह से स्पीटर रहता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूज हो गया एक नंबर फाइबर, यहाँ पर दो नंबर फाइबर यानी सिंगल सभी जगह लगेगा तब, उसके बाद यहाँ तीन नंबर फाइबर हो गया, तो यहाँ तीन नंबर फाइबर को यहाँ कट करेंगे तो उसका दो इंड होगा स्पीडर का, यानी दो इंड होगा उसका स्पीडर का दो इंड, यानी दोनों को यानी चारों को यानी आपस में जोड़ देंगे, तो इस तरह से यानी तो इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, यानी इस तरह से होता है। इसके बाद है अगला, जैसे अगला फाइबर इस तरह से आ जाए, तो मान लो कि इधर कोई मोहल्ला है, इधर रिंग नहीं बन रहा है, यानी रिंग बना हुआ रहता है, इधर रिंग नहीं बन रहा है, तो यहाँ कोई जैसे कोई जैसे इसको लीनियर ले जाता है, लीनियर ले जाता है, तो यहाँ पर उस जैसे का जो भी फाइबर होगा उस फाइबर में यहाँ कट करेंगे इस जैसे पर, और यहाँ से इस फाइबर में है ये मतलब ये रहता है 12 कोर का फाइबर से ले जाता है, तो उसमें स्प्लाइस प्लान के अनुसार से स्प्लाइस करना होता है, तो स्प्लाइस प्लान में ये बहुत साथ रहता है, यानी पहला ट्यूब का पहला और फोर ट्यूब का फर्स्ट फाइबर, तो इस तरह से रहता है, तो उस तरह से उधर चल जाता है। तो मान लें कि फाइबर यहाँ पर कट हो गया, तब क्या होगा, तब यही होगा कि फाइबर ये मतलब ये जो भी यहाँ तक कस्टमर चलेगा यहाँ पूरा डाउन हो जाएगा, उसके बाद इसको इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर इधर से शिफ्ट करेंगे, यानी जैसा कि इधर से हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर इधर से चलेगा यहाँ तक, जब तक यहाँ काम नहीं होगा तब तक उधर से शिफ्ट कर देंगे, फिर यहाँ काम करेगा ज्वाइंट हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद हम वापस में जिस तरह से था उसी तरह से हम कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर मेंटेनेंस होता है। और मान लें कि अब जो भी है यहाँ पर मान लें जेसी है, तो जेसी में यानी स्पीडर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जा रहा है इधर जा रहा है पांच जो भी है सॉरी मान लें कि इधर जा रहा है पांच फैट, इधर जा रहा है एक फैट, पांच एक छ एक एक, तो इस तरह से फैट जा रहा है, तो जो भी यहाँ से जो फाइबर यहाँ तक आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के गली, जो है एक मतलब गली है, एक गली दो गली तीन गली है, तो उस तरह से गली में इसको फेंक दिया जाता है,
यानी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से हो जाता है अलग अलग गली में, इस तरह से होता है। तो यह मान लो तो यहाँ हॉप लगा हुआ है, हॉप में 1/8 स्पीडर लगा पेट्रोल लगता है। जैसा कि एक फगर इधर से जाता है पावर, और उसके बाद स्पीडर का एक मतलब इंच होता है इसके साथ स्प्लाइस हो जाता है। उसके बाद यहाँ से 8 आउटपुट होता है जो घर पर चला जाता है, यानी चार कनेक्शन है तो चार घर पर चला जाएगा, यानी 8 आउटपुट होता है तो एक फैट से 8 कनेक्शन जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है, इस तरह से यहाँ पर होता है। कस्टमर का फाइबर जो है वो कस्टमर का फाइबर 1/4 का होता है, ओनली 1/4 का। उसके बाद जो है कस्टमर पे यहाँ पर जियो का राउटर रहता है, राउटर लगा हुआ रहता है। बाकी अदर टेलीकॉम का भी इसी तरह से रहता है, यानी उसका भी ओएलटी होता है, ओएलटी से स्पीकर लगा हुआ रहता है। उसके बाद कस्टमर कहा जाता है वहाँ पर ओएलटी राउटर लगा हुआ रहता है, इस तरह से अदर का भी होता है। बाकी दोस्तों हम ओएलटी के बारे में वीडियो बना चुके हैं, जेसी के बारे में बना चुके हैं, फैट के बारे में बना चुके हैं, तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बाकी स्पीकर वगैरह को या राउटर वगैरह के बारे में वीडियो बना देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।